हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है ऋषभ, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यमहा रेज ज़ेड स्ट्रीट रैली एडिशन के बारे में। यमहा की एक टॉप एंड स्कूटर ये है और आज हम इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि दिखने में कैसी है और क्या ये एंटॉक से बेटर है या नहीं, मैं आपको वर्डिक्ट में ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। यहाँ पर आपको दिया गया एक वाइज़र जो वी शेप में है और यहाँ पर आपको LED DRS देखने को मिल जाएंगे जो वाई शेप में है। पूरे स्कूटर में सिर्फ आपको यही LED मिलेगा, बाकी सारे जो लाइट्स है वो बल्ब है। यहाँ पे आप देखो इंडिकेटर दिया गया है अंडर द नकल गार्ड। ये इंडिकेटर की जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, गिरेंगे तो टूट सकते हैं। इसे सॉफ्ट दिया गया रहता तो बेटर होता, जैसे बाइक्स में आते हैं आजकल। ये रहा इसका नकल गार्ड, ये भी काफ़ी सिंपल क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं, इतने कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ब्लू कोर की बैजिंग दी गई है। जैसे हम नीचे बढ़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए, प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक, और ये जो मडगार्ड है फ्रंट का ये है मेटल का। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। ये स्ट्रीट रैली एडिशन होने के वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग इसे डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मुझे। जैसे ही आप लाइट्स देखेंगे, ये हेलोजन लाइट्स है, ये बल्ब है और ये LED नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए कि अभी भी यमहा इसमें बल्ब दे रही है, LED देते तो बेहतर होता। नीचे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप टायर्स देख लीजिए, 12 इंच के टायर्स है, ये ब्लॉक टायर्स है। नॉर्मल वेरियंट्स में आपको ब्लॉक टायर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको डिस्क वेरियंट मिलेगा, ड्रम वेरियंट भी इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे UBS की बैजिंग, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके फुटबोर्ड के बारे में। जो फुटबोर्ड है काफ़ी छोटा है, यहाँ पे अगर आप सामान रखोगे तो आपको पैर रखने की जगह काफ़ी कम बच जाएगी। यहाँ पे आप बटन्स देख लीजिए, ऑटो एंड स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। ये बटन्स की जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको इग्निशन का बटन दिया गया है जहाँ से आप अपनी स्कूटर चालू कर सकते हो। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में आऊँगा, यहाँ पे आपको दिया गया है अपर एंड डिपर का ऑप्शन। ये देख लीजिए इसके टर्न इंडिकेटर्स के सिग्नल्स, और ये रहा इसका हॉर्न। हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको, काफ़ी लाउड हॉर्न है। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो डिजिटल है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, ये रहा इसका ओडोमीटर, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंजन की लाइट दी गई है, स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये लिट अप ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिरर्स दिए गए हैं, मिरर की जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, थोड़े बेटर मिरर दिए जा सकते थे, बट यहाँ पे जो इनकी विजिबिलिटी है ये काफ़ी डिसेंट है। बात करेंगे इसके सीट्स के बारे में। सीट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ब्रॉड है, दो लोग आराम से बैठ सकते, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अंदर जो स्पेस दी गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप अपना हेलमेट आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे आपको जो फ्यूलर कैप दिया गया है फ्यूल का, वो अंदर दिया गया है, काश इसे यमहा बाहर दे देती। बात करेंगे इसके ग्रैब रेल्स के बारे में। ये मेटल का ग्रैब रेल है, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी साइडवेज बैठेगा तो उसको अच्छी खासी ग्रिप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जीनियस रेज ZR की बैजिंग मिलेगी, स्ट्रीट रैली एडिशन। ये जो ग्रीन कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा भा रहा है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। जैसे ही मैं पीछे बढ़ूंगा, यहाँ पे आपको M शेप में इसके टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी, ये भी हैलोजन है, नॉट LED। ये रहे इसके टर्न इंडिकेटर्स, और ये रहा इसका पीछे का कुछ लुक, दिखने में अच्छी खासी दिख रही है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट दिया गया है, और ये देख लीजिए इसके फुट पेग। तो ये रहा इसका डिज़ाइन। अभी बढ़ते हैं इसको चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी है, और आपको देते हैं क्लियर वर्डिक्ट। तो चलिए अभी चला के देखते हैं स्कूटर को। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। इसका एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, सूदिंग है, ज़्यादा हार्श नहीं है, कानों के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें जो इंजन दिया गया है वो 125 cc का FID इंजन है, जिसमें आपको 8 bhp का पावर और 9.04 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ये जो पावर है कंपेयर टू एंटॉक थोड़ी कम है, बट इसके एडवांटेज में एक चीज़ आ जाती है, जो इसका वेट है दैट इज़ अराउंड 99 kg। ये जो बाइक का वेट है वो 18 kg तक कम है कंपेयर टू एंटॉक, जिस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नए स्कूटर होने की वजह से इसका स्पीडोमीटर बंद है, बट अभी मैं अराउंड 60 के स्पीड तक मैं चल रहा हूं और मुझे कोई भी खड्डे बिड्डे कुछ पता ही नहीं चल रहे हैं। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिफर है, जिसके वजह से क्या होगा, अगर आप कॉर्नरिंग में भी लेके जाते हो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, काफी स्मूथली चल रही है, इसके वाइब्रेशन मुझे जरा भी फील नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैं सिटी में चल रहा हूँ, काफी अच्छे से स्कूटर चल रही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, बड़े स्पीड ब्रेकर से भी आराम से निकल जा रही है। तो अभी हम चलेंगे हाईवे की तरफ, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। पहले इस गाड़ी को निकल जाने दो। ओके,
तो जैसे ही मैं हाईवे पे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चला रहा हूँ अराउंड 40-50 के स्पीड के बीच में। इसका स्पीडोमीटर बंद है क्योंकि अभी ये नई स्कूटर है और इसे मैं आराम से एक मनूवर कर सकता हूँ, हाईवे पे भी सिटी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो पिकअप ले रही है बहुत आसानी से ले रही है और थोड़े भी वाइब्रेशन मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। देखते हैं इसके ब्रेक्स कैसे लग रहे हैं। मैं अभी इसका फ्रंट ब्रेक ट्राई करता हूँ। वो बोलते हैं ना इनिशियल बाइट वो उतनी खास नहीं है, थोड़ा लीनियर ब्रेकिंग है तो ठीक ठाक है, ब्रेकिंग में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अभी देखते हैं इसका पीछे का ब्रेक किस तरीके से लग रहा है। पीछे का ब्रेक काफ़ी बढ़िया है, ये इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत आसानी से स्कूटर अपने आप को पुल करते जा रही है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बात करेंगे इसके माइलेज के बारे में। कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो 67 किलोमीटर टू द लीटर्स का है और एंटॉक का जो है वो 47 है। नहीं नहीं बोल के अभी 55 तक तो आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो इसकी जो माइलेज परफॉर्मेंस है हाईवे पे आप आराम से 55-60 निकाल सकते हो और सिटी में आप आराम से 50 तक भी इसे निकाल सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसके जो मिरर्स है इनकी जो विजिबिलिटी है ये इतनी कुछ खास नहीं लग रही है मुझे। पीछे का जो व्यू आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है मुझे, बट ठीक है। जैसे अभी मैं इसको चलाते जा रहा हूँ, मैं इसको लास्ट आधे घंटे से इसको चला रहा हूँ हाईवे पे और सिटी में दोनों जगह पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं और कैसे परफॉर्म करती है। मैं इसका टॉप स्पीड तो यहाँ पे चेक नहीं कर सकता क्योंकि हमें बहुत रेगुलेशन के हिसाब से चलाना होता है, 60 की स्पीड लिमिट होती है। इसका स्पीडोमीटर भी वैसे भी बंद ही है। वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन थोड़े भी नहीं है, क्या स्मूथ इंजन चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने के लिए, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अभी इसे सिटी में लेके जाते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रही है। बात करेंगे इसके सीट कंफर्ट के बारे में। सीट्स इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और सॉफ्ट है, आप अगर इसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लेके जाओगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी कमर नहीं दुखेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं हम सिटी में आ गए हैं, यहाँ पे आप अराउंड 20-30-40 के बीच में ही चलाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इसका टर्निंग रेडियस भी अभी चेक करेंगे, देखते हैं कि ये आराम से बिना पैर नीचे रखे घूम जाती है कि नहीं। ये आराम से इतने से जगह में मूव हो गई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आप अगर डेली नॉर्मल लाइफ में इसे स्कूटर को चलाओगे तो आप नहीं ये नहीं सोचोगे तो इसका पावर कितना है, 8 BHP है या टॉर्क कितना है। आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और एक लाइट स्कूटर होने की वजह से आप इसे आराम से चला सकते हो। इसको जो पीछे का सीट दिया गया है वो भी काफ़ी ब्रॉड है, अगर कोई साइडवेज भी बैठता आपके पेरेंट्स भी बैठेंगे तो आराम से इसे लेके जा सकते हैं। स्पीड ब्रेकर सभी, एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, आराम से लेके गई है, कुछ ज़्यादा बाउंस भी फील भी नहीं होता। इसे मनूवर करना काफ़ी आसान है, काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है तो आप इसे आराम से लेके जा सकते हो। और इसके जो टायर्स है वो ब्लॉक टायर्स है 12 इंच के और इनके जो ग्रिप्स है रोड पे काफ़ी बढ़िया है। ये रमलर पे से मैं हम लोग जाके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाउंसी है, ठीक है, नॉट अ इशू। तो ये जो स्कूटर है इसका आवाज़ मुझे थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा, एकदम साइलेंट इंजन है, काफ़ी स्मूथ है। जो परफॉर्मेंस मिल रही है ऑन द हाईवे एंड सिटी बहुत ही बढ़िया है, क्या आसानी से घूम जा रही है, ये देखिए। और जैसे ही मैं स्पीड ब्रेकर पर से भी गुजरता हूँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप इसे गलियों में से आराम से लेके जा सकते हो, किधर भी मोड़ सकते हो। अभी एक बार टर्निंग रेडियस यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि आधे रास्ते में मुड़ जाएगी कि नहीं। बिना पैर नीचे रखे आराम से यहाँ पे मुड़ गई, बहुत बढ़िया फील हो रही है, आराम से ओवरटेक कर लेती है स्कूटर। पावर आपको थोड़ा भी इसकी कमी महसूस नहीं होगी आपको कहीं पे भी। इसका जो ब्रेकिंग है वो थोड़ा लीनियर है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, पर जो इसके पीछे के ब्रेक्स हैं वो काफ़ी आसानी से लग जा रहे हैं। आगे के ब्रेक जो है वो थोड़े से लेट लग रहे हैं, उनका जो इनिशियल बाइट है थोड़ा कम है, बट जो पिकअप ले रही है, जो इसका मिड रेंज परफॉर्मेंस है, वाह बहुत बढ़िया है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं वर्डी की तरफ, जानते हैं इसकी प्राइस। इसकी प्राइस मुंबई में ऑन रोड 90,000 के आसपास है और जो एंटॉक आती है दैट इज़ अराउंड 97,000, 7,000 रुपये महंगी है एंटॉक, बट इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़िया है मुझे लगती है। ये जो प्राइस सेगमेंट पे आ रही है विद दिस फीचर्स बहुत ही सही है। इसका जो वेट है 99 kg का है, विच इज़ वेरी लाइटर देन एंटॉक, जिस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप चाहते हो एक ऐसे स्कूटर जो यूथ की तरफ अट्रैक्ट हो और जो आपको एक काफ़ी
अच्छी माइलेज परफॉर्मेंस दे दे और आपके पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े तो आप ये स्कूटर को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अपने नज़दीकी शोरूम में जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, देखिए चला के कि आपको पसंद आ रही कि नहीं। मुझे तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगा है। इसमें ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप भी दिया गया है जो कि अभी बंद है, तो उस वजह से भी आपकी फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, आगे के ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं हैं बट पीछे का ब्रेक काफ़ी अच्छे से लग जाता है। डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसकी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि अभी भी इसके अंदर आपको हैलोजन लाइट्स ही देखने को मिलते हैं, LED लाइट्स नहीं मिलते हैं। एनटॉक में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। इसका काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बट उससे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे ये स्कूटर है जो काफ़ी बढ़िया लग रही है, स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। ये जो कलर स्कीम के साथ आ रही है, बहुत सारे कलर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अंदर आपको एक ड्रम वेरियंट भी मिलेगा जो आपको थोड़ा कम प्राइस में आएगा, 4,000 to 5,000 का आपको ज़रूर उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप चाह रहे हो एक ऐसे स्कूटर जो आप रोज कॉलेज लेके जा सके या फिर ऑफिस भी लेके जा सके फॉर द कम्यूटर पर्पस, ये स्कूटर आपके लिए परफेक्ट चॉइस बनती है, एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ आप ये स्कूटर ज़रूर कंसीडर करें, दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, काफ़ी बढ़िया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपको मिलेंगे कल फिर से एक और नए वीडियो के साथ में। टेक केयर, राइड सेफ।